हाय अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज की जो वीडियो जिस टॉपिक पे मैं बनाना चाह रहा हूँ वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक है और बहुत कॉमनली बोला जाता है, बहुत कॉमनली यूज होता है वो टॉपिक। और वो टॉपिक है ब्लूटूथ इश्यूज के हवाले से, क्या होता है ब्लूटूथ और ब्लूटूथ फिशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और ये पार ब्लू फिशिंग के अंदर कैसे हम वर्किंग कर रहे हैं, पार ब्लू क्या चीज़ है और ये ब्लू वन ब्लू टू क्या कंसेप्ट है। इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये हमारे पास जो एक ब्लू फिशरी सिंपल हुआ करती थी वो ब्लू वन फिशरी कहलाती थी। ये आज से कुछ एक दो साल पहले की बात है कि एक नई जीन्स, नया बर्ड डिस्कवर हुआ जिसको हम पार ब्लू फिशरी कहते हैं। और इसके अंदर जब हमने वर्किंग की तब हमें पता चला कि कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो हमें ब्लू बर्ड हैं बजाय, बट वो हमें एक पार ब्लू उसके अंदर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पास रिसेंटली फिर साइंटिस्ट्स ने वो निकाला कि एक ब्लू बर्ड जो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर दो जीन्स भी एट अ टाइम पाए जा सकते हैं, एक ब्लू वन जीन और एक ब्लू टू जीन। अब ब्लू वन जीन एक सिंपल जीन है जो जिस बर्ड के अंदर होगा वो ब्लू की क्वालिटीज के अंदर जस्ट एक सिंपल ब्लू विजुअल फिशरी जनरेट कर सकता है। जो ब्लू टू उधर उसके अंदर होगा तो वो ब्लू टू फिशरी होगा। अगर सिर्फ ब्लू टू जीन्स होगा अगर किसी बर्ड के अंदर तो वो विजुअली ब्लू होगा, बट वो आप उस बर्ड को किसी भी ब्लू बर्ड के साथ आप अगर पेयर अप करेंगे तो वो आपको पार ब्लू फिशरी देगा। ब्लू बर्ड मीन्स ब्लू वन बर्ड। ब्लू टू का ब्लू टू के साथ कभी पेयर ना दीजिएगा क्योंकि उससे आपके पास जस्ट एक ब्लू टू फिशरीज जनरेट होंगी, आपके पास पार ब्लू फिशरी जनरेट होगी। तो व्यूअर्स, एक्चुअली ब्लू टू का हाइप इस वजह से बना हुआ है क्योंकि ब्लू टू एक फिशरी सस्ती है जो कि आपको सस्ते के अंदर महंगी चीज, पार ब्लू का थोड़ा सा रेट हाई है तो वो हर मतलब एक क्लच में अगर 5 eggs ले करते हैं तो वो 5 पार ब्लू होंगे कन्फर्म 100%। तो वो इस वजह से ब्लू टू का रेट भी ज्यादा है और ब्लू टू की डिमांड भी ज्यादा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ब्लू टू हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। ब्लू टू प्रोड्यूस करने का सबसे बेहतरीन तरीका आप पार ब्लू से वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पार ब्लू फिशरीज पेयर अप करें आपस में, दोनों मेल भी पार ब्लू और फीमेल भी पार ब्लू, तो पार ब्लू एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन होता है ब्लू वन और ब्लू टू का। जिस बर्ड में ब्लू वन ब्लू टू जीन्स कंबाइंड पाए जाएंगे उस बर्ड को हम विजुअली पार ब्लू कहते हैं। ये जो आपको सामने वीडियो में दो बर्ड्स नजर आ रहे हैं ये पार ब्लू बर्ड्स हैं। अब पार ब्लू के अंदर जब मैं ब्लू वन और ब्लू टू को कंबाइंड, ब्लू वन ब्लू टू कंबाइंड विद ब्लू वन ब्लू टू, जब ये दो बर्ड्स कंबाइन होंगे तो आपके पास जब रिजल्ट्स हम निकालते हैं तो रिजल्ट्स के अंदर ब्लू वन ब्लू वन, ब्लू वन ब्लू टू, ब्लू वन ब्लू टू, ब्लू टू ब्लू टू। अब ये जो एक मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ के सुना दिया उसके अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन के अंदर 50% चांस है कि हमारे पास पार ब्लू विजुअल ब्लू वन ब्लू टू फिशरी नजर आए। अब अगर आपके पास ब्लू वन ब्लू टू फिशरी नजर नहीं आती उसके अंदर कई ब्लू फिशरी नजर आती, अब ब्लू फिशरी के अंदर हमारे पास 25% चांस है कि वो ब्लू वन फिशरी हो और 25% चांस है कि वो ब्लू टू फिशरी हो। अब जो 25% चांस है ब्लू टू फिशरी का वो हमने उससे उसका फायदा एक्सट्रैक्ट करना है। वो हम कैसे गेट करेंगे कि हमारे पास जो भी इस पेयर से ब्लू फिशरी निकलती है आप वो आगे सेल आउट ना कीजिए, उस ब्लू फिशरी को आप नेक्स्ट ईयर जब वो ब्रीड के काबिल हो जाए तो उस जितनी भी ब्लू फिशरीज हों उनको आप किसी भी ब्लू बर्ड के साथ, ब्लू फिशरी के साथ लगा दें। आपके पास अगर कोई पार ब्लू चिक आता है तो आप समझ जाएं कि वो जो ब्लू फिशरी थी आपकी वो ब्लू टू फिशरी है। अब आप ब्लू टू फिशरी को जब आप पार ब्लू के साथ लगाएंगे और अगर आपके पास ब्लू फिशरी भी आती है तो वो कंफर्म 100% ब्लू टू फिशरी है। ठीक है, तो आप ब्लू टू फिशरी को किसी भी ब्लू वन फिशरी के साथ लगाएं आपके पास कंप्लीट पार ब्लूज आएंगे।
गाइस ये एक पारब्लू की स्टोरी है, ये एक हाइप है जो इतनी बनी हुई है और इसका वाकई बहुत फ़ायदा है अगर आप ब्लूटूथ एक फैक्ट्री बना देते हैं। तो ये एक तरीका है आप ब्लूटूथ जनरेट कीजिए, क्योंकि ये एक्चुअली जीन्स के अंदर वर्किंग है। अगर जितनी अच्छी वर्किंग आप जीन्स के अंदर करेंगे उतनी अच्छी आप कॉम्बिनेशन बना के उतने अच्छे आप पारब्लू जनरेट कर सकते, जिसके अंदर फिर आप तीनों पारब्लू पर्सनाटास पारब्लू, इनके ऊपर हम डिटेल में किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, हम पारब्लूज किस क्वालिटी में किस कितने अच्छे बनाए जा सकते हैं। गाइस आज का टॉपिक इधर ही ख़त्म करते हैं, वीडियो इधर ही एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।